नमस्ते भारत, और मैं हूँ साइकिलिस्ट ब्रिजेश। जैसा कि पूरे देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, और यहाँ से इस ढाबे पर रात को मैं रुका था। बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली, और यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ इस ढाबे से, जो कि कर्णावती ढाबा है। और यहाँ से मूव करूँगा मैं बड़ौदा के लिए, और बड़ौदा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मैं अभी आनंद में हूँ, और लॉकडाउन हो चुका है सिटी के अंदर, और यहाँ पर कहीं पर भी कोई किसी पर बिलीव नहीं कर रहा है, किसी को जगह नहीं दे रहा है। और मुझे भी कल रात को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल हम यहाँ से मूव करेंगे बड़ौदा के लिए। अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। और मैं अपनी यात्रा में फिर से निकल चुका हूँ सूरत बड़ौदा के लिए। बड़ौदा यहाँ से है 45 किलोमीटर दूर, पर बड़ौदा में एक्चुअली मुझे कल रात को बड़ा तकलीफ वाला मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि मुझे ढाबे पे किसी ने जगह नहीं दी, और ढाबे पे जगह ना मिलने के कारण मैं रात को 11 बजे मुझे ढाबे पे जगह मिली जहां मैं रुका। और कोविड की प्रॉब्लम हर स्थिति में है, हर कोई आपको सख्ती निगाह से देख रहा है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अवेयर हैं कि नहीं। तो मैं तो अवेयर हूँ, और मैं तो चला जा रहा हूँ अपनी मस्ती में, पर लोगों का ध्यान अभी पूरा कोविड के ऊपर है, और वो किसी के संपर्क में आने से पहले 100 बार सोचते हैं। सो मैं तो हूँ साइकिलिस्ट ब्रिजेश, और जो कि भारत परिक्रमा कर रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में आके बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। और ये गुजरात के अंदर अमूल का सबसे बड़ा प्लांट, और ये जो कि आनंद शहर में है, गुजरात के अंदर अमूल का सबसे बड़ा प्लांट, अमूल दूध जो सारा इंडिया पीता है, उसका ये प्लांट है। और ये है आनंद के नज़दीक, आनंद शहर। और आज रोड़ों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कहीं से दूर दूर तक लोग हैं जो कि आते नहीं है, पर हाँ ये गांव गाय वाले लोग बड़ी दूर से आते हैं। ये लोग राजस्थान से, और पूरा ऐसे झुंड लेके आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं टकरा ना जाऊं इन गायों के चक्कर में। तो ये देखिए, गाय भी बड़ी समझदार होती हैं। कोरोना काल के साथ साथ गर्मी भी बड़ा अपना काल विकराल रूप दिखा रही है। तो गर्मी तो दिखाएगी, खैर गर्मी तो आने वाले टाइम में और भी रूप दिखाएगी, पर मैं तो इस यात्रा में मैं बड़ौदा के नज़दीक, सो लोगों का एक देखने का तरीका, नज़रिया जो है वो बड़ा अजीब है कि ये भाई कैसे अकेले इंडिया टूर करके निकल पड़े हैं, और इस टाइम पर लोगों को घरों में रहने की सलाह है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी मानता हूँ इस बात को, बट फिर भी कोशिश है कि मैं कहाँ तक पहुँचूँ। और मुझे शायद इन सब चीज़ों में बहुत ही, मैं खुद अवेयर हूँ और प्रिकॉशन लेके चलता हूँ। हाईवे की गर्मी को चीरते हुए मैं पहुँचा बड़ौदा शहर में एंट्री करने, और एंट्री करते करते एक चाय की दुकान दिख गई, तो सोचा कि गर्मी में क्यों ना और गर्मी ली जाए। तो मैंने एक चाय की दुकान पर आके ये भैया के यहाँ चाय पीने का सोच लिया। चाय पी ली, दो कप भर के चाय पी ली, एक पार्ले जी का बिस्किट खा लिया, लास्ट में पैसे देने की बारी आई, तो पैसे पे मेरे को लगा कि मेरे पर्स में पैसे हैं। तो पैसे देने की बारी आई तो मैंने सोचा कि चलो भैया को पैसे दे दिए जाए। तो भैया को पैसे दे रहा तो 20 रुपये खुले निकले। 20 रुपये खुले निकलने के बाद मैंने बोला भैया 20 रुपये है, तो भैया बोले कि बाद में दे देना। मैंने कहा बाद में तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ, चलते जाना है। तो भैया बोले कि फिर भी कभी भी मिलेंगे। तो मैंने कहा फिर तो YouTube चैनल पे ही मिलूंगा, और वहाँ पे लिख देना कि 5 रुपये बाकी है, तो वो 5 रुपये का कर्ज, चाहे 1 रुपये का हो चाहे करोड़ों का हो, कर्ज कर्ज होता है, तो मैं ज़रूर आपको याद करूँगा। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, 5 रुपये इनके बाकी हैं, वो भी देने हैं। और हमें पहुँचना बड़ौदा में, तो हम पहुँच गए हैं, पर अभी हमें पहुँचना है यहाँ पे एक गेड़ा सर्कल, और गेड़ा सर्कल के बाद जाएंगे हम एलोरा पार्क। एलोरा पार्क में जिनके यहाँ मुझे पहुँचना है, और एक एड्रेस पे पहुँचना है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और ये
बड़ोदरा शहर का प्रवेश द्वार बड़ोदरा महानगर सेवा सदन आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। ये गुजराती में है बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सो ये बड़ौदा शहर में एंट्री, और अब मैं खोज रहा हूँ गेंडा सर्कल। तो पहले मैं यहाँ पर एक चौराहा है जिसको गेंडा सर्कल के नाम से जाना जाता है, तो मुझे पहुँचना है पहले गेंडा सर्कल पे, और गेंडा सर्कल से आगे हम पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। और ग्रीनरी को लेके बड़ौदा शहर बड़ा अवेयर है, यहाँ पर ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा गया है। जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ उस रोड पे ग्रीनरी बहुत है। यस कहाँ जा रहे हैं? एमपी है? एमपी 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 जी क्या जा रहे हैं? पूरे इंडिया में जी जी डेढ़ साल हो गया। तो पहुंच गया मैं अपनी मंजिल पे जहां मुझे पहुंचना था, क्योंकि बड़ौदा में हूं। और बड़ौदा में भैया मेरे यहां से ही बिलोंग करते हैं, मुरैना से। तो भैया ने बड़े टाइम से मुझे फॉलो कर रहे थे और कंटिन्यू फोन पे फोन की कहां हो भाई, बड़ौदा आए हो तो मेरे घर पे ही रुकना है। सो आज की नाइट भैया के साथ रहेगी बड़ौदा के अंदर। बड़ौदा में भैया काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं, मुरैना से ही है। बढ़िया मेरा ना भैया का नाम बता दीजिए। गोपाल, गोपाल भाई है, और बड़े ही मिलनसार बंदे हैं। क्योंकि फाइनली बड़ौदा तो मैं पहुँच गया, पर बड़ौदा पहुँचने के बाद भाई ने अपने घर पे इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मैंने सोचा कि भाई मुझे कहीं किसी बड़े खाने वाले होटल पर लेके जाएंगे, पर मुझे पता नहीं था कि बड़ौदा में रात्रि 8 से नाइट कर्फ्यू लग जाता है। अभी बड़ौदा पूरा शांत बैठा है, और ये भाई ने आज घर पे बड़ा मस्त खाना बनाया है। ये देखिए, ये जो खाना है ना, मैंने अभी टेस्ट किया, बड़ा शानदार। मतलब घर में लोग जो महिलाएं होती हैं वो क्या खाना बनाएगी, मुझे लगता है कि इनसे ट्यूशन लेना चाहिए। सीरियसली बड़ा टेस्टी खाना बनाया भाई ने, और भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। कोविड के पीरियड में लोग दूर से ही ऐसी निगाहों से देखते हैं कि जैसे इसको कोरोना वाला ही पेशेंट तो नहीं है, पर जहाँ ऐसे पीरियड में भाई ने मुझे घर पे इनवाइट किया, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भैया भी मेरे यहाँ से मुरैना वाले हैं भाई, चंबल वाले, और चंबल वाले तो कहीं पे भी किसी को भी इकट्ठा कर लेते हैं। और ये भाई, भाई आपका नाम बता दूँ, अमित भाई। और अमित भाई ने भी बड़ी मेहनत की है इस खाने को बनाने में। आप लोगों को अगर ऐसा खाना है तो वो आपको बड़ौदा आना पड़ेगा। मैं तो साइकिल से आया हूँ, और भाइयों का प्यार देख के बड़ा मज़ा आ गया। तो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, अब की बार भाइयों के लिए, कि जब अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो मैं हूँ साइक्लिस्ट ब्रिजेश, और शुभ रात्रि।